दोस्तों एनाकोंडा सांप की एक ऐसी प्रजाति है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानने को एक्साइटेड होते हैं, बट आपको उतना ज़्यादा मिलता नहीं इसके बारे में जानने के लिए। हालांकि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी एनाकोंडा से रिलेटेड, और नाम ही इसका एनाकोंडा है, तो एनाकोंडा की जो मूवीज़ आई थी उसको आप ज़रूर देखे होंगे। आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी हो गया होगा कि एनाकोंडा होता कैसा है, एनाकोंडा शिकार कैसे करता है, या फिर एनाकोंडा की ताकत क्या होती है। बट इस वीडियो को लाइक करिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एनाकोंडा क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। दोस्तों हो सकता है कि आपने एक फिल्म में देखा हो जिसका नाम था एनाकोंडा, यह इसी सांप के बारे में थी। कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, वजन में भी यह दुनिया का सबसे भारी सांप है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच व्यास का मिला है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड्स तक हो सकता है। हालांकि ऐसे अजगर भी हैं जो कि लंबाई में एनाकोंडा से भी ज़्यादा बड़े हैं, किंतु एनाकोंडा की मोटाई अजगर के मुकाबले बहुत ज़्यादा अधिक होती है। दोस्तों बात यह भी होती है ना कि एनाकोंडा पाया कहाँ जाता है, क्या जिंदा इंसानों को निगल जाता है, चलिए इसको भी बताते हैं। एनाकोंडा सदैव पानी में रहता है दोस्तों। यह शाम को और रात में सबसे सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करता है। वह अपने शिकार के तलाश में नदी नालों के पास घूमता रहता है। यह एक एकांत प्रिय जीव है, यानी कि बहुत ही साइलेंट रहने वाला। दलदल के अंदर यानी कि स्लम के अंदर अपने आप को छुपा सकता है। जबकि कोई शिकार इसको दिखता है तो यह उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और उसे सीधे ही निगल जाता है। एनाकोंडा के शिकार अधिकतर इंसान कुछ बड़े जीव होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो जानवर होते हैं मैक्सिमम उसे एनाकोंडा अपना शिकार बनाता है, क्योंकि छोटे जीवों का शिकार वो अपनी विशाल काया के कारण नहीं कर पाता, क्योंकि छोटे जीव काफी ज्यादा भागने में एक्टिव होते हैं और एनाकोंडा इतने ज्यादा फुर्तीले नहीं होते कि उन छोटे शिकारियों का पीछा जल्दी से कर सकें। शिकार को पकड़ना तो चलिए दोस्तों अलग बात है, लेकिन एनाकोंडा क्या अपने शिकार को जहर से मारता है, तो क्या एनाकोंडा जहरीला होता है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों एनाकोंडा शिकार को पूरी तरह से निगल जाता है, उसका जबड़ा भी स्पेशल ढंग से बना होता है, इसकी वजह से वो बड़े जीवों को आसानी से खा सकता है। धरती पर रहने वाले सभी सांपों के दांत भी होते हैं और वे अपने दांतों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन एनाकोंडा अपने दांतों का प्रयोग शिकार को पकड़ने के लिए नहीं करता है। वह तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए पावर का इस्तेमाल करता है जो कि एनाकोंडा के पास है। एनाकोंडा दूसरे सांपों की तरह जहरीला बिल्कुल नहीं होता है। यदि वह किसी को काट लेता है तो यह घातक नहीं है। एक शिकार तब तक एनाकोंडा का शिकार नहीं होगा जब तक वह उसकी चपेट में ना आ जाए। वैसे देखा जाए तो एनाकोंडा केवल दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है और इसको एक हत्यारे सांप के रूप में भी देखा जाता है। वहाँ के लोग इसे एक किलर स्नेक मानते हैं। अनेक बार एनाकोंडा को मार दिया जाता है। अब दक्षिण अमेरिका में भी एनाकोंडा की संख्या अधिक नहीं बची हुई है। इसका कारण ये भी है कि एनाकोंडा के निवास स्थान पर मानव प्रवेश, और इसका मतलब ये भी है कि जहाँ पे एनाकोंडा रहा करते थे वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का आना, यानी कि एनाकोंडा के घर को तबाह करके वहाँ पे ह्यूमंस के घर बनाना, यानी कि घर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे इंसानों के रहने की वजह से एनाकोंडा का घर विलुप्त हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। दोस्तों वहाँ के लोग एनाकोंडा को हत्यारा सांप क्यों कहते हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण यानी कि मेन रीज़न क्या है। दोस्तों सन 2015 के आसपास एक और सांप मिला जो एनाकोंडा ही था। इस एनाकोंडा को लोगों ने मारा था। अब तक एक अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा ने 257 लोगों को मारा था और 2325 जानवरों का शिकार किया था। इसका वजन 2060 किलो था और यह 134 फीट लंबा था। दोस्तों एनाकोंडास के बारे में तो सब जानते ही होंगे, लेकिन उनके वैरायटीज के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। चलिए मैं आपको आगे और बताता हूँ। एनाकोंडा कितने प्रकार के होते हैं? एनाकोंडा की कोई एक प्रकार नहीं होता दोस्तों। अब तक की जानकारी के अनुसार एनाकोंडा तीन प्रकार के मेनली होते हैं, जिसमें होते हैं ग्रीन एनाकोंडा, येलो एनाकोंडा और डार्कली स्पॉटेड एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा ये होता है, यह लगभग 8 फीट के आसपास होता है। इसका वजन लगभग 95 केजी के लगभग होता है और इसके पूरे शरीर पर काले धब्बे और एक नारंगी रंग की पट्टी भी होती है। वहीं येलो एनाकोंडा की बात करें तो यह एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा से थोड़ा सा छोटा होता है और इसके भी शरीर पर काले धब्बे होते हैं और बीच बीच में पीला रंग होता है। वहीं बात करें डार्कली स्पॉटेड एनाकोंडा की, तो एनाकोंडा ब्राजील के अंदर पाया जाता है। यह बहुत ही दुर्लभ सांप है। इसकी ज़्यादातर प्रजाति के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाए। 1924 के अंदर इस सांप का पता केयर डी ने लगाया था। तो आज तक जितनी भी सारी भी रिसर्चेज हुई ना, कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी वैज्ञानिक इस तरह के शोध पर
नहीं पहुंच पाया कि एनाकोंडा की मेंटेलिटी क्या होती है किसी का भी शिकार करने पे, क्योंकि एनाकोंडा के अगर आप माइंड सेटलमेंट की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सुस्त और बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन जब वो शिकार करते हैं तो उनके जितना एग्रेसिव स्नेक आज तक नहीं देखा गया है। तो ये चीज़ें कन्फर्म करती हैं कि दे आर ड्यूअल नेचर स्नेक। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, और इस चैनल पर अगर आप सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।